हे गाइस, कैसे हो आप सभी। हम भी ठीक है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो आज की जो हमारी रेसिपी है, हाउ टू कुक होल चिकन विदाउट अवन। तो अवन के बिना आप कैसे बना सकते हो। सो ये हमने ले लिया है चिकन एंड लेग पीसेस। ये होल चिकन है, तो आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं पहले पूरे चिकन में, एंड लेग पीसेस में आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं। सो गाइज, अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, दिस इज चिकन मसाला, दिस इज धनिया पाउडर एंड रेड मिर्ची पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर देनी है। सो फर्स्ट हम इन सबको मैरिनेट करेंगे। हमारे पास चिकन लेग पीसेस भी है, फुल चिकन भी है। और इसमें आपने मस्टर्ड ऑयल भी डालना है, कर्ड, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे और फिर इसको बनाएंगे। गाइस, ये हमने मैरिनेशन के लिए रखा था, उस टाइम पे हमने ना नींबू ही डाला था इसमें। सो अब मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो नींबू मैं अभी डाल देती हूँ। सो इसको मैंने 2 आवर्स के लिए मैरिनेशन पे रखा था, तो आप इसको रात तक भी रख सकते हो। जितना इसको मैरिनेट करोगे आप, ज़्यादा देर के लिए रखोगे तो गाइस उतना अच्छा होगा। सो अभी मैं ये बनाने लगी हूँ। सो चिकन लेग पीस जो है, थोड़ा बच्चों को खिला देते हैं। देखो कितने अच्छे से कुक हो गए हुए हैं, जो भी इसमें मसाला था वो भी अच्छे से इसमें अब्सॉर्ब हो गया हुआ है। और अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। सो गाइस, काफ़ी देर हो गई थी, हमने इसको मैरिनेशन पे रखा था फ्रिज में। तो अब जो है, अब इसको हम बनाएंगे। ये अच्छे से मैरिनेशन इसकी हो गई हुई है और इसको हम ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे एज इट इज। अभी जो है, जो मैरिनेशन वाला मसाला है वो भी हमने इसमें डाल देना है और बंद कर देना है, उस पे ढक्कन रख देना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको चेक करना है कि ये बना है कि नहीं, और एकदम ही इसको हमने इसका साइड चेंज नहीं करना है। इसको अच्छे से एक साइड होने देंगे, बिकॉज हमने ज़्यादा इसको अगर साइड इसकी साइड चेंज वगैरह की तो इससे ये पूरा का पूरा चिकन ख़राब होने का भी डर है। सो एक साइड से जब ये क्रिस्प हो जाएगा अच्छे से, फिर सेकंड अभी ये जो है हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
गाइज अभी हम इसको फिर से पलट साइज़ का चेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कुक होने वाला है। लेट मी चेक, ये देखिए अभी थोड़ा सा है फ़र्क इसको, ये वाइट वाइट है। जब ये कुक हो जाएगा प्रॉपरली तो थोड़ा टाइम और लगेगा इसको। गाइज अभी हमारा चिकन जो है वो कुक हो गया और ये हम ज़ीरा राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। ये हमारे मैंने ज़ीरा राइस बनाए हुए हैं तो इस, और अब मैंने यहाँ पे होल चिकन रख दिया जो हमारा रेडी हो गया हुआ है और बहुत अच्छे से ये गाइस कुक हो गया था विदाउट अवन भी। आप इसको कढ़ाई में बना सकते हो जिस प्रोसीजर से मैंने बनाया। और यहाँ पर ये बीन्स मैंने रखे थे फ्राई करके रखे हैं और अनियन है ये बेबी अनियन, तो ये भी थोड़े हल्के हल्के से मैंने फ्राई कर लिए थे। और देखो कितना अच्छा ये प्लेटर बन के आया है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। मैंने तो किया नहीं बट मेरे हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने टेस्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा गाइस। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो अपने घर में। और ऊपर से मैंने ये थोड़ी थोड़ी इसकी ग्रेवी बची हुई थी तो वो मैंने इसमें यहाँ पर डाल दी सो दैट कि ये खाने में आराम से विद ग्रेवी खाया जाए। सो गाइज़ आप भी घर पे अपने ट्राई करना और प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ये बनाया कि नहीं बनाया। ओके गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और लास्ट में मैंने ये मिंट डाल दिया हुआ है, धनिया तो था नहीं तो मिंट डाल दिया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।